हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने निर्देश दिए कि मरीजों को सही समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसके लिए सिविल सर्जन एक सिस्टम यानी जिला कंट्रोल केंद्र स्थापित करें ताकि समय पर उपचार उपलब्ध हो और मरीजों को किसी भी प्रकार का इंतजार न करना पड़े। साथ ही सभी जिलों में उपलब्ध कमरों, मरीजों व होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे मरीजों की जानकारी मिल सके, इस केंद्र के लिए अधिकारी भी नामित करें। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन व दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल एक टीम के रूप में कार्य करें ताकि सभी तृतीयक सत्रीय देखभाल संस्थानों में रेफरल मरीजों की देखभाल सुनिश्चित हो सके और कोविड से होने वाली मृत्यु दर में और कमी लाई जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों का पोस्ट कोरोना फॉलोअप भी सुनिश्चित करें। सैंपल कलेक्शन सेंटरों पर अनावश्यक भीड़ ना हो, इसके लिए मरीजों, यात्रा करने वाले तथा नौकरी के लिए भी 72 घंटे पहले टेस्टिंग कराने वालों के लिए अलग अलग कलेक्शन सेंटरों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की स्थिति पर भी नजर रखी जानी चाहिए ताकि किसी पर भी आपात स्थिति में उन्हें तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची जा सके। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन मृत्यु, होम क्वारंटीन मरीजों की संख्या, ट्रेसिंग इत्यादि से संबंधित अपनी दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय में भेजें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में एम्बुलेंस सेवा को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। सभी जिलों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीमें प्रतिदिन कोरोना के गंभीर मामलों से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा करें। इसके अलावा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने अपने संस्थान में कंट्रोल रूम स्थापित करें ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके अलावा कोविड 19 के प्रबंधन के लिए टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित के साथ साथ जन जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।